गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमारा जो फिफ्थ चैप्टर चल रहा है उसमें हमने चार क्वेश्चन कर लिए। हिंदी मीडियम में हमारे पांच हो गए। जो पांच का क्वेश्चन है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है उदासीन, ठीक है। हम एसिड बेस पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन में मींस न तो वो एसिडिक हो, अम्लीय हो, और न ही वो बेसिक मींस क्षारीय हो। इसका आंसर क्या होगा? द रिएक्शन यानी वह है अभिक्रिया जिसमें एक एसिड किसी एक बेस के साथ, यानी एसिड रिएक्ट विद ए बेस, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? साल्ट, लवण एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं वो क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। इनके साथ साथ कुछ मात्रा में इसमें हीट भी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, इवोल्व होती है, ठीक है। ये तो थी डेफिनेशन। एग्जाम्पल मीन्स एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा? साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? बेस होता है। प्लस में क्या? प्लस में एसिड, एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड क्या हो गया? एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? लवण होता है, साधारण नमक, ठीक है, और प्लस में वाटर। जैसे इसका सूत्र क्या होगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बन जाएगा? NaCl। NaCl साधारण नमक का सूत्र है बेटा, ठीक है, और प्लस में वाटर। सिक्स का क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स। ये बेटा कॉपी में राइट नहीं करना, ये आपको बुक में ही टिक लगाने हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखवाया था उसमें मैंने आपको ये लिखवाया था कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखो, नाइट्रिक एसिड मींस एसिड है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ये बात गलत है क्योंकि ऐसा बेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, क्षार होता है, और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ये बात गलत है क्योंकि बेस जो होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। थर्ड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज इच अदर। अभी अभी हमने फिफ्थ क्वेश्चन में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें हमने यही एग्जाम्पल लिया था। ये कह रहा है कि एसिड सोडियम एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर बनाएंगे, और न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, यानी उदासीन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर है, इंडिकेटर्स इज सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स होते हैं सूचक जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हो, ठीक है। इंडिकेटर्स जैसे लिटमस पेपर है, उसको हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर शो करता है, और उसको हम बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर शो करता है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी? ट्रू। फिर है, टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, यानी दंत क्षय, दांतों का अंदर एक दंत क्षय बीमारी होती है, वो बेस की उपस्थिति के कारण होती है, क्षार की उपस्थिति के कारण होती है, ये बात गलत है बेटा। दंत क्षय जो होता है, टूथ डीके जो होती है, वो एसिड की वजह से होती है, न कि बेस की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। दो क्वेश्चन हो गए, कल हम सेवन का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।